वाले भैया कहलाते थे आज बहुत संपन्न हो, करोड़ों रुपए के डेयरी, करोड़ों रुपए के फूल बेच रहे हो और अपने आप को किसान पुत्र कहते हो। ये बात कमलनाथ सरकार के मंत्री आरिफ अकील ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कही। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल सीहोर जिला प्रभारी मंत्री आरिफ अकील जिले की आष्टा तहसील में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत आयोजित किसान सम्मेलन में पहुंचे। कार्यक्रम में शिरकत कर किसानों को फसल ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मंत्री अकील ने पूर्व मुख्यमंत्री को संपन्न किसान बताते हुए कहा कि आप पांव पांव वाले भैया कहलाते थे, आज बहुत संपन्न हो, करोड़ों रुपए के डेयरी, करोड़ों रुपए के फूल बेच रहे हो और अपने आप को किसान पुत्र कहते हो। आपके सीएम होते हुए किसानों ने बहुत समस्या का सामना किया है। किसान कर्ज माफी पर शिवराज को दुख क्यों हो रहा है? मगर मैं इसके आंसू बहा रहा है आज सीवर में धरना जगह। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भाई साहब आप बताओ आपका धरना किस बात के लिए? कि आपको ये बुरा लग रहा है कि हम किसानों को बुला के व्यक्तिगत उनको खातों में पैसे डलवा रहे हैं? अगर ये बात बुरी लग रही है बताओ। आपने जितने संपन्न किसान आप हो, जहाँ पाँव पाँव वाले भैया कहलाते थे, आज बहुत संपन्न हो, आप करोड़ों रुपये की डेयरी, करोड़ों रुपये का फूल बेच रहा हो, तब आपको किसानों की याद नहीं आई? आप किसान पुत्र अपने आप को कहते हो, तो ऐसा पुत्र किस काम का जिसके होते हुए ये लोग परेशान हो गए। उन्होंने ये सोचा कि जो गोली मारने वाला नहीं उसके साथ जाओ, मेरे नेता ने जो कहा वो क्या 10 दिन में कर्जा माफ़ होगा, तो 10 दिन भी नहीं, 10 घंटे भी नहीं लगे, लोगों का कर्जा माफ़ हो गया। यहाँ निश्चित ही आश्चर्य में पानी की परेशानी है, उसको बोर स्वीकृत हुए हैं, दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और आप सबसे सहयोग चाहते हैं। अगर मेरी पार्टी के नेता अच्छा काम कर रहे हैं तो मुझे आशीर्वाद दो, मुझे मदद दो। और हमसे कहीं गलती हो रही है तो आप छापना भले ही, दिखाना भले ही, लेकिन बता दो हमें कि हमसे क्या गलती हुई है। वही मीडिया से चर्चा के दौरान किसानों को दिए गए कर्ज माफी के प्रमाण पत्र और कितने दिनों में राशि किसानों के खातों में आ जाएगी, इस सवाल पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिस दिन मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी ब्याज लगना बंद हो गए हैं और जल्द ही राशि खातों में पहुंच जाएगी। इनकी राशि, इनको प्रमाण पत्र दिए हैं और जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी ब्याज लगना तो बंद हो गए, ब्याज लगना बंद हो गया, अब ये राशि इनके खातों में पहुंच जाएगी। और सरकार डिफाल्टर नहीं है, डिफाल्टर सरकार गई है, सरकार काम करने वाली सरकार है और एक एक व्यक्ति को पैसे मिलेंगे। कुल मिलाकर आरिफ अकील ने एक बार फिर शिवराज सिंह पर जुबानी हमला बोलकर प्रदेश की सियासत गरमा दी है। साथ ही शिवराज सिंह के किसान होने पर ही सवाल खड़े कर दिए। बहरहाल शिवराज इस बयान पर किस तरह पलटवार करते हैं ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सीहोर।